Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, good afternoon. मैं राजपुत राव शिरडी आपका अपना चैनल राजपुत राव शिरडी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। ओके चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस, देयर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस डेट आर यूज टू इनपुट वर्ड नंबर और पिक्चर, दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब वैसा मुख्य डिवाइस यंत्र जो हार्डवेयर के रूप में हो और क्या करे, कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजे, इंटर कराए, प्रवेश कराए। जैसे मैं क्या करे, वर्ड को प्रवेश करे, किसी वर्ड को कंप्यूटर के अंदर भेजे, नंबर को भेजे या कोई पिक्चर को भेजे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहें तो डाटा को जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग इंटर कराते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके इनपुट डिवाइस बहुत टाइप्स की होती हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके दोस्तों जो मेरी पहली इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। ए माइक्रोफोन इज यूज टू एनी वॉइस और साउंड इन ए कंप्यूटर। मतलब क्या, कंप्यूटर के अंदर हम लोग माइक्रोफोन के मदद से किसी भी साउंड को क्या कर सकते हैं, किसी भी साउंड या आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। यानी जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर साउंड को रिकॉर्ड करता है वो होता है माइक्रोफोन, और रिकॉर्ड करके डाटा को कहाँ भेजता है, अपने साउंड को, हम लोग के साउंड को कहाँ भेजता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है। इसलिए अभी ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ओके अगला इनपुट डिवाइस देखिए हम लोग का, अगला इनपुट डिवाइस है हम लोगों का जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। यानी जो हमारा जॉयस्टिक होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ओके दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या, वो पॉइंट करता है। जैसे मान लीजिए कभी हम गेम वगैरह खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें ये मदद करता है। मतलब हम लोग क्या, कोई भी कमांड को हम लोग कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे तो कंप्यूटर में प्रवेश हो जाएगा, इसीलिए भी इनपुट डिवाइस है। इसका ज़्यादातर जॉयस्टिक का यूज होता है कोई भी गेम वगैरह खेलने के लिए, प्लेइंग गेम खेलने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ओके अगली जो हमारी डिवाइस है इनपुट डिवाइस वो है, जो तीसरी हमारी इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। ओके दोस्तों स्कैनर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोटो टेक्स्ट को स्कैन कर कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ओके दोस्तों देखिए आगे। ओके दोस्तों स्कैनर क्या है, स्कैनर इज ए डिवाइस डैट कैन रीड वर्ड्स पिक्चर और नंबर्स प्रिंटेड ऑन ए पेपर। मतलब स्कैनर ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, किसी पेपर पे कागज पे कोई भी प्रिंट हो, जैसे में नंबर हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई या कोई फिगर हो, उसको क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है और उसको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, और वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर कर देगा, भेज देगा कंप्यूटर में। इसलिए भी क्या है, इनपुट डिवाइस। इसके माध्यम से कोई भी टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो या कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।